हे गाइस, वेलकम टू ए टू मामा ऑन ड्यूटी। और मैं हूँ सोनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ एक रिव्यू, जो कि डव शैम्पू का रिव्यू है, देख सकते हैं। सो मैं इसका आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि ये कैसा शैम्पू है। मैंने इसे अभी यूज़ किया है, मतलब हो गए 1 मंथ होने जा रहा है मुझे इसको यूज़ किए हुए। सो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा शैम्पू है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसका रिव्यू, पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। एक्चुअली मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे, अब किस कारण से, डाइट अच्छा नहीं था इस कारण से, या फिर जो भी कह लीजिए जिस कारण से भी, हाँ डाइट के भी कारण हमारे हेयर फॉल्स होते हैं बहुत ज़्यादा। और मैं शैम्पू भी दूसरा यूज़ करती थी, तो वो मैं क्लिनिक प्लस यूज़ करती थी, क्योंकि वो शैम्पू भी अच्छा शैम्पू है, सबको पता है ये बात। बट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हर शैम्पू का अपना खुद का, मतलब एक हेयर टेक्सचर होता है ना, किसके हेयर पे किस टाइप का शैम्पू जाएगा, शूट करेगा, सो वही होता है। सो उस शैम्पू के कारण मेरे बहुत हेयर फॉल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे। और सेम शैम्पू मेरी डॉटर भी यूज़ कर रही थी, कर रही है, थी नहीं, वो कर रही है। मैं वो भी बताती हूँ क्यों वो शैम्पू यूज़ कर रही है, मैं ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने डव को, मेरी मम्मी आई तो उन्होंने मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा देखे, तो वो बहुत टेंशन में आ गई, तो उन्होंने बोला शैम्पू चेंज करो। सो मैंने शैम्पू चेंज किया, तो शैम्पू मैंने डव का लिया, डव शैम्पू मैंने मंगाया, वो भी हेयर फॉल का, इसका शैम्पू लिया मैंने, हेयर फॉल रेस्क्यू लिया। सो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मेरे हेयर झड़ने बंद हो गए, हेयर फॉल बंद हो गया मेरा, बहुत हद तक मेरा हेयर फॉल बंद हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा था और सब सडनली बंद हो गया। उससे मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि मैंने उसका कंडीशनर भी मंगा लिया कि चलो हेयर फॉल रेस्क्यू का, मैंने कंडीशनर भी ले लिया कि इससे भी मैं कंडीशनर करूँगी हेयर को। और ये जो हेयर होते हैं ना, मेरे हेयर आप देख रहे हैं कि देखने में बहुत फ्रिजी फ्रिजी से लगते हैं, मेरे कर्ली हेयर हैं थोड़े से। सो ये शैम्पू जो है वो कर्ली हेयर को भी फ्रिजी रहेगा, मतलब देखने में आपको फ्रिजी टाइप का लगेगा, बट ये छूने में बहुत सॉफ्ट रहते हैं। सो ये शैम्पू बहुत अच्छा है, मैं आपका इसका रिव्यू दिखाती हूँ, नज़दीक से दिखाती हूँ क्या है, कैसा है इसका पैकिंग नहीं, मतलब कैसा ये बॉटल है, देखने में कैसा। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं इसका रिव्यू देती हूँ आपको डव शैम्पू का। सो ये डव शैम्पू है, आई होप आपको दिख रहा होगा, यस ये डव शैम्पू है, हेयर फॉल रेस्क्यू शैम्पू फॉर वीक हेयर प्रॉन टू हेयर फॉल। तो ये शैम्पू है, देखिए, और ये है आप 340 ml का ये शैम्पू है। इसका कवर देखिए, फ्लिप कवर इस तरह से, और ये ग्रीन कलर का है, जो कि इसे बहुत प्रिटी लुक दे रहा है। और इसका जो ऊपर का है ये ट्रांसपेरेंट है पूरा, तो इसे और सुंदर बना रहा है। तो गाइस, ये हो गई बॉटल की बात, जो कि इस तरह से देखने में है, लुक वाइज इस तरह से है। अब मैं इसका आपको बैक साइड दिखाती हूँ। सो ये शैम्पू है मेड इन इंडिया, ओके, और इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स, आई होप आपको दिख रहा होगा, यस, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स, ये सब है। और इसे अप्लाई कैसे करते हैं वो भी जिन लोगों को नहीं पता है, या फिर जो लोग और टाइप से कर लेते हैं हेयर पे अप्लाई, तो वो लोग इसे पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसका डायरेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, हेयर को वेट करके उसके बाद जाके इसके ऊपर इसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। और फ्रेंड्स, हेयर फॉल रेस्क्यू, इसका प्राइस की बात करें तो ये 240 rupees का है, आई हो, यस 240 rupees का है ये। सो इसे अभी मैंने जस्ट 1 मंथ बिफोर ही, मैंने मम्मी के आने के बाद, 1 मंथ क्या, मम्मी आई उसके बाद मम्मी ने चेंज करवाया मेरा शैम्पू, सो मैंने इसे चेंज किया। और सही में मैं भी झूठ नहीं बोलूँगी, या कोई झूठ नहीं बोलता है किसी भी चीज़ का रिव्यू देता है, तो ये हेयर, ये वाला शैम्पू मेरे हेयर पे बहुत अच्छे से काम किया है। बिकॉज़ ये कहते हैं, ये एक्चुअली में होता क्या है ना, कोई कोई बोलता है नहीं मेरे हेयर पर ये शैम्पू नहीं, मतलब नहीं अच्छा हुआ मेरे हेयर के लिए, ये शैम्पू अच्छा नहीं है मेरे हेयर के लिए, ये शैम्पू अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ हेयर टेक्सचर। ओके, सबके हेयर का ना अलग अलग होता है, किसी का हेयर फ्रिजी होता है, किसी का हेयर बहुत सॉफ्ट होता है। सो ये मेरे हेयर पे बहुत अच्छे से शूट किया, बट मेरी बेटी के हेयर पे ये बिल्कुल शूट नहीं किया। सो उसका जो पहले का शैम्पू था, मैंने उसे ही रेगुलर स्टार्ट किया है,
और ये शैम्पू देखने में तो इतना प्रिटी लगता है कि मन होता है देखते ही रहें शैम्पू को। तो वैसा तो नहीं हो सकता ना, हेयर में लगाना भी है और बॉटल तो दिख ही रहा है। सो गाइज़, ये शैम्पू बहुत अच्छा है, आप लोग एक बार यूज़ करके देखिए। जिन लोग के हेयर फॉल होते हैं, अगर हेयर फॉल आपका स्टॉप हुआ तो ओके। एक्चुअली ये मैंने छोटा ही शैम्पू का बॉटल लिया है, इसका बड़ा भी आता है, बिग बिग वाले भी बॉटल्स आते हैं, बट मैंने इसे सिर्फ ट्राई के लिए यूज़ किया कि किस तरह से ये शैम्पू मेरे हेयर पे काम करता है, वर्क करता भी है कि नहीं रियली में। क्योंकि हम लोग जब ऐड देखते हैं तो हम लोग देखते हैं ना शैम्पू, मतलब किसी भी शैम्पू का, कि इसने इस हेयर को स्ट्रेट कर दिया, इस शैम्पू का मतलब हेयर फॉल स्टॉप हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं ना कि पता नहीं ये रियल में वर्क करता भी है कि बस ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट इसका ऐड चल रहा है। सो मैंने इसे यूज़ किया, मेरे हेयर पे ये बहुत अच्छे से शूट कर गया और ट्रस्ट में मेरा हेयर फॉल बहुत हद तक स्टॉप हो गया है। आई लव डव शैम्पू। सो गाइज, आप लोग इसके साथ जा सकते हैं, जिन लोग के हेयर फॉल्स होते हैं एक बार ट्राई करके देखे। इफ़ आप लोग के हेयर नहीं कम हुए, झड़ना, हेयर फॉल स्टॉप नहीं हुआ, तो आप लोग स्टॉप कीजिए, फिर चेंज कर लीजिए शैम्पू, क्योंकि होता है कभी कभी हेयर टेक्सचर के कारण। सो ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो मेरी बहुत यूज़फुल लगेगी और आपको मैं कुछ अच्छा रिव्यू दे पाई हूँ। सो अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले उसकी नोटी आपको मिल सके। और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।